आज हम जानेंगे कि एलईडी चेन लाइट कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लगेंगे वायर, ये देखिए सारा कुछ का प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। फिलहाल अभी मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या आपको लगेंगे एलईडी चेन लाइट बनाने के लिए। अरे अम्मा की दया, ठीक है। तो ये रहा एलईडी का पैकेट, और ये तो ये आपको कलर का भी मिल जाएगा, 1000 का, 2000 का, 500 का। 1000 का ही आता, 500 का लीजिएगा तो आधा देंगे इसमें से निकाल के वजन करके। तो देखिए इस पे टिक लगा हुआ ब्लू कलर में, तो ये ब्लू है, इसका भी मैं प्राइस लिख दूंगा। इसमें एलईडी रहता है, ये होता है एलईडी, ये देखिए, और ये फोकस लो, हाँ ये एलईडी। ये स्लीपिंग पाइप चाहिए, ये वाला। ये सारा कुछ आपका लोकल मार्केट में मिल जाएगा। सिर्फ आपको एलईडी खरीदने में हो सके तो प्रॉब्लम हो तो देख लीजिएगा, थोड़ा आपका मेन बाजार जहाँ है वहाँ आपको इजिली मिल जाएगा। ये रांगा, सोल्डिंग, कटर, ये वाला कटर देखिए, इसका फेस नोज कटर, ये वाला चाहिए, नोच कटर बोलते हैं। और लास्ट में आपको ये पार्ट्स बनाने होंगे। ये एक पीएफ है, रेजिस्टेंस है, और चार डायोड को मोड़ के ब्रिज टाइप बनाया हुआ है। ये एसी को डीसी में बनाएगा, यही आपका जो एलईडी है उस पर करंट पास करेगा, एसी को लेके डीसी बना के आगे देगा। तो ये मैं आपको डायग्राम में बता दे रहा हूँ कैसे होता है। फिलहाल ये सब जितना चीज़ है इसको हम पहले एक सीरीज में जोड़ते हैं, चेन बना लेते हैं, फिर उसके बाद उस चेन को हम एक और एक्स्ट्रा तार पे लेके मोड़ते हैं, और फिर लास्ट में ये वाला लगाते हैं। तो इतना दूर पहले प्रोसेस जान लेते हैं, चेन बना लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं आगे। और ये सारा कुछ मैं बात करूँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एलईडी बनाने के लिए, तो ये जुगाड़ सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं, ये आप एग्ज़ाम जो देते हैं ना, मतलब आप दे ही चुके होंगे एग्ज़ाम, तो ये जो हम लोग का पिच बोर्ड रहता है परीक्षा देने वाला कूट, उस पर देखिए ये पेपर दबाने के काम में आता है। तो ये वाला आप उसमें से निकाल लें और इसे फिक्स कर लें एक पाटे पे ठोक के लकड़ी का, ये रोजन है, चमकीला सोल्डिंग करने के काम में आता है सुंदर सा। ये जाली था, फेंका हुआ था, कबाड़ था, हमने इसे यूज़ में लगा दिया, ठीक है। और ये लैम्प है, देखिए इस पर लाइट जल रहा है ताकि इस जगह लाइट पड़ा रहे, क्योंकि एलईडी का काम है ना तो उसका न्यूट्रल प्लस देखना पड़ता है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ न्यूट्रल प्लस आप कैसे पकड़िएगा। तो गाइस ये देख सकते हैं एलईडी हमने निकाल के रख लिया, तो उसका पैर इतना बड़ा बड़ा है, तो इसका तो अभी इतना, मतलब इतना बड़ा पैर का हमें काम नहीं है, तो हम इसे काटेंगे। तो आधे पे आप इसे काट लीजिए एवरेज साइज देख के, ये एलईडी इतना पे हम काट लेते हैं इसे, और काट कर आप डब्बा में रखिएगा, क्योंकि इसका जो पिन है कटने के बाद जो इसका पैर बचेगा वो बहुत ही नोखिला होता है, ऐसा ना आप ज़मीन पे गिरा दे और वो किसी पाँव में धस जाए, चुभ जाए। ये देखिए अब एक बात और बताते हैं, जैसे हमने ये एलईडी को काट दिया, तो एलईडी हम कैसे पहचानते थे कि प्लस कौन है माइनस माइनस कौन है, तो ये देखिए एक पैर बड़ा होता है इसका वो होता है प्लस, और छोटा वाला होता है माइनस। तो अब तो हम इसे काट दिए, तो अब कैसे पकड़ेंगे कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं ये जो पतला वाला भाग है अंदर में, देखिए ये जो पतला वाला भाग है ये है प्लस, और जो मोटा वाला भाग है ये है माइनस। तो ऐसे देख के हम इसे उस जगह क्लिप पे फंसाते हैं और सोल्डिंग करते जाते हैं। आपको सिर्फ एक साइड से रखना है, यानी कि आप एक साइड सिर्फ प्लस ऐसे मान लीजिए राइट साइड में प्लस, और प्लस दबाइए, सोल्डिंग करिए, आगे बढ़ाइए, सोल्डिंग करिए, वो आगे मैं बता रहा हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से। तो फटाफट काट लेते हैं, एक एलईडी चेन में हम 70 लैंप लगाते हैं, तो 70 लैंप काट लेते हैं, ज़्यादा भी काट सकते हैं आप अपने अनुसार से काट लीजिए, आप एक दिन में कितना बना सकते हैं। डब्बे में रख के काटिएगा, डब्बे में रख के काट लीजिएगा ताकि इसका जो पिन है वो छटके ना इधर उधर, इस तरीके से। चलिए ये तो ठीक है मैं कर लूँगा,
आगे बताते हैं, अब हम काटेंगे स्लीपिंग पाइप। ये स्लीपिंग पाइप का बंडल आता है, आप नज़दीक की दुकान से एक या दो भी ले सकते हैं, दो में आपका 70 पीस आ जाएगा। पहले एक निकाल लेते हैं, ये एक स्लीपिंग पाइप निकालनी है, डब्बा रखते हैं हमेशा साथ में। और स्लीपिंग पाइप का हमें उतना ही बड़ा काटना है जितना हमारा एलईडी का पाँव झप सके। ये देखिए, मैं अपने उंगली में दिखा दे रहा हूँ कितना बड़ा आपको काटना है, ये देख सकते हैं भाई, नीचे उड़ के फेंका गया। ये देखिए इतना बड़ा आपको स्लीपिंग काटना है, ये अपने उंगली पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये ऐसे ही काटते जाना है। इन न्यू अगर आप करिएगा तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा, फिर धीरे धीरे हाथ बैठ जाएगा, तो आप अपना अनुमान लगा के काटते चले जाएंगे। तो ठीक है, हम इसे बाद में भी कर सकते हैं। ये नया तार खोले हम, ये स्केल रखे हैं, ये देखिए 20 सेंटीमीटर पे हम काठी ठोक लेंगे, कील ठोक लेंगे अपना। ये 20 हमारा इस जगह पे आ रहा है, और भाई साहब पाटा भी राम भरोसे, ये सब चेंज करना होगा। तो कील ठोक ली, अब चाहिए उनका हटाबो तो स्टैंड को, अरे ऊपर तो ये वायर को देखिए हम जमीन पे रख रहे हैं नीचे, और आपको अंदर वाला, अरे ये का पकड़ा रहा, अंदर वाला तार पकड़ना है, ये वाला बाहर वाला नहीं, अंदर वाला तार पकड़ना है, जो लास्ट मुंह रहता है इसका वो निकालिएगा। तो ये आपका सिंपल ऐसे घुर घुर के निकलते रहेगा घूमते घूमते, तो ये आपका वायर फंसेगा नहीं। गलती से आप साइड वाला वायर निकालेंगे तो आपको ऐसे ऐसे पूरा घुमाना पड़ेगा, और हो सकता है वो लज जाए, तो ऐसा गलती नहीं करिएगा, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करिए, बीच से निकालिए। मैं आपको प्रॉब्लम के साथ सारा कुछ बता दे रहा हूँ, और हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो देख के बिना सब्सक्राइब करे हुए चले जाइएगा, मजाक कर रहे थे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये वायर हमने यहाँ फंसाया, यहाँ लिया, गिने ही नहीं हम तो एक साइड फेंड में, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
35, ये 35 बार हमने लिया, अब हम 20 से काटेंगे तो 70 हो जाएगा ये। तो 20 से कैसे काटेंगे, तो उसके लिए भी आप एक दाग लगा लीजिएगा, जैसे हमने 1 से 20 तक सेंटीमीटर तक आपको कहा था, तो बीच में 10 पे आएगा इसका दाग, तो 10 पे हम मार्क लगा लेते हैं। ये लड़का मार्कर कहाँ है मेरा, नीचे नीचे रखा है मार्कर, कोई नहीं तो दोबारा लगा लेते हैं। कहाँ रह गया वो, ये 10 बाहर लेकर के ले गया दिन, मार्कर नीचे रखा है, नीचे जाए मार्कर लाने, कहाँ लेके जाता है मेरा सामान यहाँ से। ये यहाँ पे दाग दे दिए, इस जगह पे हमें काट देना है। 70 ठो माल निकल जाएगा हम लोग का, तो पहले लास्ट वाला वायर काट लेते हैं। खिचिक कट गया,
इसको अच्छे से पकड़ लीजिएगा, नहीं तो निकल सकता है इधर उधर। कट कट, हैप्पी बर्थडे टू यू, काटते जाओ और काटते जाओ। ये कट गया, बस 35 तो एक हाथ में और 35 तो एक हाथ में। ये हमारा वायर भी निकल चुका है। तभी तक हमने क्या क्या किए एक बार रिपीट कर लेते हैं। और आप अपने जो भी कलर का एलईडी बना रहे हैं वही कलर का वायर रखें तो एलईडी पहचानने में आपको सुविधा होगा, अगर आप तीन चार कलर एक साथ रखेंगे तो। ये वायर रे इधर देखा, पकलोल है इधर। चलिए तो ये वायर है हमारा, ये स्लिपिंग पूरा नहीं काटे, वीडियो बना लेते हैं। पैसे उधर दिखाओ, उद की कहाँ जाए एलईडी है, ये हम बना बना के रखते रहते हैं। तो ये फिलहाल अब आपको बता देते हैं कैसे बनता है, उनको बनाते रहते हैं। और ये एलईडी हमने काटा था, ये वीडियो को दो भाग में बनाएंगे क्योंकि ये भाग में आपको सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि ये चैन कैसे बना जाता है। पहले चैन बताएंगे, फिर उसके अगला भाग में आपको बताएंगे कि इसे मोड़ते कैसे हैं तार पे, और सब आप घर में इजिली कर सकते हैं। मैं सारा जुगाड़ आपको बता दूंगा, बस आपको ये करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि भगवान हमारा भी भला करे और आपका भी करे। तो और ये पार्ट्स का बॉक्स भी आता है, नहीं भी आता है तो बता दूंगा क्या इसका भी उपाय है। और इसमें बोला था मैंने कैंची लगाने के लिए ये ब्रिज टाइप डायोड और PF था और रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये तो बात का बात है, ये अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वो फिनिशिंग पार्ट है। अभी ये जानते चैन कैसे बनाते हैं, इसी में हमको लगता है वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आधे से ज़्यादा लोग छोड़ के चले जाएंगे, बोर लगेगा तो जाने से जाके स्केच पेन लेके आना चाहिए। तो हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे आधा वीडियो चढ़, अरे इसको लो ना खाली जगह तो। हाँ तो गाइस जैसा कि बात कर ले, ये देखिए एलईडी है हमारा। अबे एलईडी पे फोकस करो, कैसा कैमरा पकड़े हो यार तुम, गजब टोपीबाज आदमी है एकदम। ऊपर उठाओ थोड़ा, दिख रहा है उसमें अच्छा से, पब्लिक कमेंट में तुरंत सोचेगा नहीं, बाथरूम बना देगा। दाओ इधर दिखाओ। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा एलईडी है। ये बड़ा वाला भाग बोले थे हमने माइनस होता है और छोटा वाला भाग प्लस होता है। जैसे कि कोई एलईडी में आपको दिखाओ तो ये देख सकते हैं, ये छोटा वाला भाग लेफ्ट साइड में मेरे ये प्लस है और ये बड़ा वाला भाग जो है ये माइनस है। अब घुमा देते हैं तो इधर प्लस आ गया, उधर माइनस चला गया। ठीक, ये एलईडी दिखा दिया मैंने, ये आप समझ सकते हैं। जब इसका आप पैर काट दीजिएगा तो पकड़ने के लिए आपको यही एक उपाय रहेगा कि प्लस माइनस कैसे जाने, तो इस तरीके से जानते हैं। वो बार बार आप लैम्प टेस्टर जैसा होता है ना, लैम्प टेस्टर के जैसा प्लस माइनस लेके लगा लगा कर देखिएगा कि कौन सा प्लस है माइनस है, तो आपको एलईडी बनाने में 1 साल लग जाएगा एक तो ऐसा काम नहीं करिएगा। तो ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए 70 एलईडी है तो नहीं मान लीजिए, जैसे हम लोग एक्स मानते हैं। तो ड्राइंग मेरा कुछ खास नहीं है, देख के आप हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा, आपको कहाँ से लगे, एनी वे कोई नहीं, बात पे चलते आगे। तो ये हमारा माइनस भाग है और ये प्लस वाला है, ये माइनस ये प्लस। तो हमें क्या करना है, सिर्फ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सीरीज में जोड़ते जाना है, सीरीज में। जैसे इसमें से माइनस में लाइन दिए तो प्लस से निकाल के फिर माइनस में देंगे, फिर प्लस से निकाल के माइनस में देंगे, फिर प्लस से निकाल के माइनस में देंगे, फिर प्लस से निकाल के माइनस, फिर प्लस से निकाल के माइनस में, फिर प्लस से निकाल के माइनस में, ऐसे सीरीज में चलते जाना। तो क्या होगा, जैसे ये पहला पॉइंट हमारा माइनस था, पहला वाला भाग माइनस था पैर, तब ना प्लस में गया, तो लास्ट वाला जो बचेगा वो तो प्लस बचेगा। फिर पहला वाला माइनस था तो लास्ट में प्लस ही बचेगा, प्लस माइनस हम लोग चला रहे हैं सीरीज में। तो क्या होगा, ये आपको माइनस भी मिल गया प्लस भी मिल गया। उसके बाद इस जगह हम डायोड लगाएंगे, ये हम डायोड है, रेजिस्टेंस है और ये PF है। ये जब बना लिए तो हमको खुद नहीं समझ में आया कि माल्टो ऐसा बना ही नहीं जैसा रियल में, कोई नहीं चले गई भी। तो ये देखिए, ये मैं अगला पार्ट में इसका पूरा
तरीका आपको बताऊंगा कैसे चलाना नहीं चलाना। अभी समझाने के लिए फिलहाल बता दे रहा हूँ कि इसका एक छोर में हम एसी लाइन देंगे, एसी करंट, एन ऑयल, न्यूट्रल ऑयल लाइन, एसी करंट देंगे, तो उधर से वो डीसी बना के देगा प्लस माइनस। जो प्लस माइनस हम माइनस इधर लगाएंगे, प्लस इधर लगाएंगे। एक वायर में सिर्फ एलईडी हम सोल्डिंग करते हुए जाएंगे, जैसे कि ये वाला लूप वायर था हमारा, इस पर हमें सिर्फ एलईडी अपना सोल्डिंग करते जाना है। फिर एक एक्स्ट्रा तार लेकर हम उस एलईडी को बेंडिंग कर देंगे, मतलब उसे घुमा देंगे ताकि न्यूट्रल हमारा आ जाए। मैं तो ये जगह न्यूट्रल ऐसे खींच दिया, अगर मतलब रोल करते हैं ना हम लोग तार पे तार को, अब ये गिर कहाँ रहा, ठीक से रहो, तो इसको ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता है हमें। ठीक है, आगे बताते हैं, देखते रहिए वीडियो, समझ में आ जाएगा। वीडियो छोड़ के भागिएगा तो नहीं समझ में आएगा। अब बहुत ही अच्छा, सस्ता, टिकाऊ, मजबूत बता दे रहे हैं तरीका आपको। एक ये देखना गोड़ पे चढ़ जाता है, तुमको तो ये एलईडी लिए हम, थोड़ा नज़दीक से दिखाओ भाई। तो ये एलईडी लिए, तो इसका प्लस आई बेटा, ये एलईडी के ऊपर क्या हो गया रे, जंग लग गया अंदर में का, अजीब है। तो ये देखिए प्लस वाला भाग राइट हैंड पे है, तो हमेशा राइट पे ही प्लस रखिएगा, राइट हैंड पे प्लस रखिएगा, तो इससे क्या होगा, आप सिर्फ देखिएगा, अच्छा ये प्लस है, लगा दिए। पतला वाला भाग हमेशा ये साइड रखिएगा, सोल्डिंग करते रहिए, कोई प्लस माइनस दिखने का झमेला नहीं आपको। तो क्या होगा, इससे ये माइनस में है, फिर प्लस से निकल के फिर हम दूसरा एलईडी जब सोल्डिंग करने फिर ऐसे लगाएंगे तो फिर तो उसका माइनस पैर में जाएगा, फिर तीसरा लगाएंगे इसे खोल के तो फिर माइनस पैर में, मतलब प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वायर लिए, आप कटर से काट सकते हैं, और जल्दी करना है तो अपना नाखून जिंदाबाद, पकड़िए छिलिए, ये रंगा लिए लगाएं, एलईडी पे लगाएं, ये हो गया सोल्डिंग। दिखाओ अच्छा से, ये सोल्डिंग ऐसे करना, अरे थोड़ा ऊपर करो, हमको भी काम करने की जगह दो, तुम अजीब आदमी, पूरा मोबाइल में घुसा दो एकदम अंदर। ठीक है, अब स्लिपिंग ली, अब उधर दिखाओ स्लिपिंग, जब स्लिपिंग पे बोले, स्लिपिंग जो चीज पे बोला जाता है उस पर फोकस किया जाता है। लाओ इधर देखा, मेरा पास मेरा जैसा मेरा एक और आदमी रहता तो आग लगा देते मार्केट में। चलो कोई नहीं, ये स्लिपिंग हम इसे पहना दिए, अब ये ऐसा वायर निकल गया। ठीक, पहला वाला पे ध्यान रखिएगा, अंदर में ये तार आपका ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा। देखिए प्रॉब्लम ये सब देख के वीडियो लेंदी समझ के भाग नहीं जाइएगा, क्या क्या प्रॉब्लम आती है मैं बता रहा हूँ। देखिए तार इस जगह पे मुड़ा हुआ है, मेरे को नहीं पता है, हम स्लिपिंग ऐसे खींच दिए, अब ये फंसो, स्लिपिंग खींच दिए, अब हमको क्या लगेगा, ये वाला माल प्लस है और ये वाला न्यूट्रल है, लेकिन अंदर तो तार मुड़ा हुआ था, है सीधा हो गया, वाह खूब बालो, ये एक्चुअली मुड़ा हुआ रहता है। तो ये बता देना, ये सब देखिएगा बस पहला वाला सोल्डिंग के समय, उसके बाद जब आप एक घट तार आगे बढ़ा लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, फिर दूसरा वाला लेते हैं, काट के इसी में डाल दिए, बहुत दिक्कत हो रहा है उठाने में हमको, ऐसे बताएंगे तो किसी समझ में आएगा। ठीक है, ये प्लस फिर पकड़े हम राइट हाथ पे ही, बोले आपको प्लस हमेशा रख के चलने के लिए, राइट हैंड पे प्लस रखे। अब क्या करेंगे हम, थोड़ा ऊपर करो, ऊपर करो कैमरा, हाँ ये एगो हम बनाए, अभी स्लिपिंग लिए, इसमें डाले, ठीक है, वायर छिले, रंगा पिलाए, इसको रखें, सोल्डिंग कर दिए। ठीक, दूसरा वायर लिए, कहाँ से लिए दिखाओ, बोल रहे ना जहाँ ना दिखा रहा हूँ, दिखाओ, ये तार पकड़े, तार छील दिए, मेरे को 7 मिनट 7 मिनट लगता है पूरा पूरी टाइम देख के 70 तो सोल्डिंग करने में। ठीक है, ये देखिए ये चैन बनते जा रहा है, ऐसा ही आपको 70 एलईडी का चैन बनाना है, तो चैन बना लीजिएगा पूरा पूरी, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा ये देखने को। इसको खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं, सब पीछे से दिखाओ ताकि पूरा आए, कैची है आ रहा है पूरा, ये देखिए जब आप लगाइएगा इस तरीके से तो गिन के आप 70 तो निकालिएगा, सेम वही प्रोसेस से हमने बनाया है इसे। जब ऐसा बन जाएगा आपका तो उसके बाद हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा तार लेकर रोल करते हैं,
न्यूट्रल वायर, ये तो आपको प्लस वायर हो गया, ये जो भी है एक साइड से आपको प्लस नहीं कर रहा माइनस नहीं कर रहा, लेकिन एक साइड का तार को आपको लेके तो जाना होगा, ऐसा तो नहीं मतलब लास्ट में दोनों ला के सटा दिए, इसको तो सिंगल करना है ना हमें, तो लास्ट में हम तार जोड़ कर और इससे एक और तार बेंडिंग करके न्यूट्रल ही पकड़ लीजिए उसको, उसको ले जा के डायोड में मिलाते हैं। तो ये मैं आपको अगला वीडियो में बताऊँगा, फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में आकर कमेंट करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो मैं बताऊंगा, और भी नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो बनाऊंगा अच्छे तरीके से। तो आज के लिए इतना ही था, अपने आसपास सफाई रखें और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल लाइट एंड साउंड इन्फॉर्मेशन।